दो पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ है और इसी दौरान कई राउंड फायरिंग भी चली है। विवाद का एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें एक शख्स को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हसनपुर कोतवाली इलाके की है। तो ये वीडियो जो है अब सामने आया है। मामूली सी बात पर दो पक्षों में विवाद हुआ था और उसी विवाद में गोलियां यहां पर चलती हुई नजर आई। हालांकि इसका वीडियो जो है वो भी अब सामने आ गया है कैसे यहां पर फायरिंग की गई है इस पूरे मामले में। फिलहाल फायरिंग करने वाला शख्स जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मामूली विवाद बताया गया है जिसके चलते यहाँ पर ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि एक पक्ष ने बंदूक से फायर करना शुरू कर दिया। महिला भी आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रही है और उसके साथ वार करने की कोशिश भी महिला की तरफ से की जा रही है। दिनेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये क्या कुछ विनीत, या क्या कुछ पूरा मामला बताया गया, किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ और अभी क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के आगापुर गांव का है। यहाँ पर जो है मामूली सा विवाद था सड़क को लेकर के। इस पूरे विवाद में दोनों पक्ष आपस में सामने आमने आ गए और आने के बाद में जो ये प्रदीप नाम का युवक है इसने फायरिंग शुरू कर दी। एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद इलाके के साथ साथ गांव भर में जो दहशत का माहौल हो गया। इस पूरे मामले की किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली जिसको जब वायरल किया गया तो अमरोहा के एसपी के आदेश पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। जी विनीत, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये जो बंदूक बताई जा रही है जिससे फायर किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी लग पाई है? लाइसेंसी क्या ये बंदूक है या फिर अवैध तरीके से रखी गई है? अवैध तमंचा है शिल्पा, आपको बता दूं कि अवैध तमंचा होने की वजह से ही क्या नाम है, इस पर जो है आरोप में ही मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके खिलाफ दहशत फैलाने और विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने इसको जेल ले जाया। बिल्कुल विनीत, ये जो पूरा विवाद है ये कितने समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि अचानक से फायर ऐसे ही इस शख्स ने नहीं किया होगा, विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया होगा उसके बाद हम देख रहे हैं कि बंदूक यहाँ पर चलाता हुआ शख्स नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये विवाद काफी पुराना है और ये विवाद जो है बताते हैं यहाँ पर जो लोग हैं कि कई दिन से लगातार यहाँ पर विवाद रहता था इनका काफी समय से, लेकिन अब जो है ये विवाद बढ़ा है जिसके बाद इस शख्स ने यह हरकत की है। शुक्रिया आपका विनीत जानकारी देने के लिए।